साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सबका मेरे इस चैनल पर, जिसमें हम वास्तुशास्त्र के उन गूढ़ रहस्यों की बात करते हैं जिसको आप ढूंढते हैं इंटरनेट पर। बहुत जिज्ञासा आपके मन में और जवाब आपको नहीं मिलता, इसी पर आपको नई नई वीडियोस मिलती हैं मेरे चैनल पर। आज हम टॉपिक ले रहे हैं किचन में सजावट के लिए, क्योंकि होता क्या है कि लोग ये कहते हैं कि यहाँ सजावट करो, यहाँ पेंटिंग लगाओ, यहाँ पोस्टर लगाओ, यहाँ पर ये लगाओ, यहाँ पर ये लगाओ, पर आज तक वो किचन जिसके अंदर के महिला, भारतीय परिवेश में महिलाओं की आधी जिंदगी कट जाती है किचन के अंदर साथियों, वहाँ पर सजावट करने के लिए किसी ने बात ही नहीं की। आइए हम करते हैं बात, ताकि आपको पता चले कितने काम का है ये विषय, पेंटिंग्स किचन में। किचन में क्या होता है कि फायर प्लेस वहाँ पर होता है, पानी का वहाँ पर होता है, खाने पीने का बनता रहता है, और वहाँ पर क्या है, महिलाएं आमतौर पे भारतीय परिवेश में, इंडियन कल्चर में ज़्यादातर वहाँ पर महिलाएं काम करती हैं। यूँ करने को तो पुरुष भी करते हैं और बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, पर यहाँ कहने को जो है ये जगह खास तरीके से लेडीज़ के लिए है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो किचन होती है, आदमी जब पूरा घर बनाता है, हमारा पूरा हाउस बन जाता है, बनाने के बाद किचन के लिए हम बहुत छोटी सी जगह निकालते हैं। इतनी छोटी सी जगह होती है कि बस उसमें महिला जो है, गृहिणी, उसमें जैसे कैसे घूम पाए, एक कैद बन जाती है, एक छोटा सा पिंजरा बना देते हैं। और मैं सलूट करता हूँ उन लोगों को, उन आर्किटेक्ट्स को, उन मॉडर्न साइंस वालों को, जिन्होंने किचन को जो है ओपन बना दिया। आज की डेट में ओपन किचन बनी तो महिला की रहने के लिए भी जगह, उनके काम करने की जगह को भी हमने एक नया आयाम दे दिया। और इसके साथ वास्तुशास्त्र ने भी ये कहा कि अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पर कार्य करने वाली महिला का, या जो भी वहाँ पर कुक काम करता है, उसका मूड हमेशा फ्रेश बना रहे, तो आपको किचन में भी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, वहाँ पर फायर है, लेकिन उस फायर को जो है आपने एक तरफ करते हुए वहाँ पर आपको क्रिएट करना है एक ऐसा माहौल, एक ऐसा एनवायरनमेंट जिससे कि वहाँ बने पॉजिटिव एनर्जी। और उसके बाद देखिए कितना अच्छा खाना बनेगा, महिला का मूड कितना अच्छा रहेगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात, वहाँ जो भी काम करता है, चाहे सर्वेंट करता है, मेड काम करती है, या महिला काम करती है, पुरुष काम करता है, उनकी हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। अब देखिए हमें क्या क्या सावधानी लेनी है, क्या क्या लगाना है हमें किचन को बूस्टअप करने के लिए। पहली बात तो यह है कि कौन कौन सी पेंटिंग्स या कौन कौन सी चीज़ें, पोस्टर आपने नहीं लगाने। सबसे पहले तो इसके अंदर जो है किचन जो है आपकी, इसमें आपको जो है अपनी फैमिली फ़ोटोग्राफ नहीं लगानी, परिवार की फ़ोटोग्राफ नहीं लगानी, फैमिली फ़ोटो नहीं लगानी, पहला। नंबर दो, गुरुओं की फोटो हमने देखी है बहुत बार, गुरुजनों की फोटो जो है वहीं लगी होती है, जहाँ पर आग जल रही है, जहाँ पर छौंका लगा रहे हैं, वहीं पर गुरुओं की फोटो होती है। तो एक तरह से वो जो पूज्य लोग होते हैं हमारे, उनकी फोटोग्राफ नहीं होनी चाहिए, पूज्य लोगों की। तीसरा क्या है इसमें किचन के अंदर, वो तो आपको पता ही है, मैंने बहुत बार बताया कि एंसेस्टर्स की फोटो तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बच्चों की फोटो ना हो, आपकी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी किचन में कोई ऐसी पिक्चर ना हो जिसका कि नेगेटिव इम्पैक्ट निकलता हो, जैसे उदास चेहरे होते हैं, और कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि जंगली जानवर होते हैं, कई ऐसी पेंटिंग होती है जो उजड़ा हुआ जंगल होता है, ये सब चीज़ें खंडहर के पोस्टर पेंटिंग नहीं होने चाहिए। मैंने देखा है बहुत बार किचन में जो है खंडहर के पोस्टर लगाते हुए, तो इसमें आपने जो है रुइंस के, जिसको कहते हैं हम खंडहर, खंडहर के पोस्टर्स एंड पेंटिंग्स आपने नहीं लगानी। तो आप पूछेंगे कौन कौन सी लगाएं भारद्वाज जी, बताता हूँ मैं आपको कौन कौन सी पेंटिंग आपके लिए किचन के लिए अच्छी रहेगी, जिससे कि वहाँ पर एनवायरनमेंट बने पॉजिटिव, महिला की हेल्थ वहाँ पर अच्छी रहे, काम करने वाले कुक की वहाँ पर हेल्थ अच्छी रहे। आप इसमें लगाएंगे सबसे पहले जो सबसे अच्छी रहेगी यहाँ पर पेंटिंग पोस्टर, वो जो फूड की होती है, भोजन से संबंधित जितने भी वहाँ पर जो है होते हैं, बहुत सी जो है ऐसे भी होते हैं जो रेसिपीज होते हैं, उनकी भी फोटोग्राफ वहाँ पर पेंटिंग लगा सकते हैं बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। और आपने देखा है किचन में जो टाइल लगाई जाती हैं, बहुत बार अगर आप डिज़ाइनर टाइल अपने किचन बनाते हैं तो उसमें भी ऐसी जो है वो होते हैं उसमें, और जिसको कहते हैं हम, इसमें कुछ ऐसे डिज़ाइन होते हैं, जैसे कुछ पेंटिंग होती हैं या ऐसी टाइल होती हैं जिसमें के कुछ ना कुछ फ्रूट्स बने होते हैं, ठीक, तो वो लगा सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, यहाँ पर अगर आप चाहें किचन में, देखें हमने कहते हैं कि भगवान का वहाँ पर जो है फोटो या वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसको कि हम पूजा करते हैं, लेकिन अगर वो नहीं होगी तो उसके बाद क्या है, वहाँ पर आप कोई भी रिलीजियस, कोई रिलीजियस ट्यून चला सकते हैं। रिलीजियस ट्यून का मतलब होता है कोई भी मंत्र वहाँ पर चलता रहे। और अगर ये भी नहीं चाहते तो आप जो है पुराने गाने हों, नए गाने हैं, बहुत सी महिलाओं को ट्यून पसंद होती है जिसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल। अगर हल्की सी आवाज़ के अंदर जो है इंस्ट्रूमेंटल
कोई ऐसा वाद्य है जो कि बजता रहे धीमी आवाज के अंदर, धीमी आवाज के अंदर कोई एक म्यूजिक बज रहा है, पीछे पीछे खाना बन रहा है और वहां पर आप लगाए। इसके अलावा वहां पर जो नेचुरल पोस्टर होते हैं, नेचर के जो पोस्टर होते हैं, जैसे हरे भरे घास के मैदान होते हैं, हरे भरे जंगल होते हैं, फूलों से लदे हुए जंगल, ऐसी पेंटिंग और पोस्टर भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी यहाँ पर एनर्जी पैदा होगी। नंबर 5, यहाँ पर भी कोई एक सिंग लगा सकते हैं आप, जो आपके जो है जो खाना बनाते हैं, खाना बनाने से संबंधित भी बहुत सारी कोटेशन होती हैं, वो भी लगाइए। वो जो कोटेशन है वहाँ पर, वो भी बहुत अच्छा मोटिवेशन का काम करती है कोटेशंस। साथियों, ये सब का सब आप लगाएं। और हाँ, मेंटेन करें किचन को, झाड़ पोंछ सफाई करनी बहुत ज़रूरी है, खिड़की खोलने जरूरी है उसकी। किचन की डायरेक्शन तो मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत बार साउथ ईस्ट में होने चाहिए या फिर नॉर्थ वेस्ट में। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में एक नया टॉपिक लेंगे जिसका इंतजार कर रहे हैं आप बहुत समय से। तब तक के लिए दिया मुझे इजाज़त, नमस्कार।